हे गाइस, हाय और वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, मैं अंकिता। तो आप देख सकते हो कि हमारा स्किन काफ़ी अच्छा लग रहा है। जनरली भी लड़कियों का स्किन काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी मेंटेन्ड रहता है, बट इट डजेंट मीन कि ये गॉड गिफ्टेड हमेशा रहे। आपको आपके स्किन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हमारे थोड़े बहुत लाइक पिंपल मार्क्स एंड ऑल दिख रहे हैं, आई एडमिट टैनिंग दिख रही है, बट अभी जो है हम विदाउट मेकअप कम्प्लीटली नेचुरल लुक है ये हमारा। बस हाँ, हमारा लिपस्टिक के बिना काम नहीं चलता, इसलिए हमने बस लिपस्टिक लगाया हुआ है। अदरवाइज ये जो स्किन है पूरा कम्प्लीटली नेचुरल है विथ नो मेकअप। ऑलराइट, सो नाउ अगर आपको अच्छा दिखना है, मोस्टली हर एक लड़कियों को रहता है कि अपने स्किन को पैम्पर करे, अपने हेयर्स को पैम्पर करे, तो वंस इन अ वीक आप ये कर सकते हो। और हमने भी ट्राई किया लास्ट संडे, तो यस। एंड अब तो शादी होने वाली है तो एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए, बट यस, ये जो चीज़ें हैं आप नॉर्मली भी कर सकते हो ऑन एवरी वीकेंड। ये आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा नरिश करेगा, आपके हेयर को काफ़ी ज़्यादा नरिश करेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साइड में जो बेल आइकन उसे क्लिक कर देना, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे चैनल के रिलेटेड मिलते रहे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। स्टार्टिंग करेंगे हम हेयर केयर से। तो हमने यहाँ पे लिया पैराशूट का कोकोनट ऑयल। अपने हेयर लेंथ के हिसाब से, जितने लंबे आपके बाल हैं उस हिसाब से तेल ले सकते हो नारियल का। अब इसे डबल बॉइलिंग प्रोसेस में हल्का सा वार्म करेंगे ताकि आपके स्कैल्प में अच्छे से पेनिट्रेट हो। अब इसे केयरफुली आपको निकालना है और इसमें आपको ऐड करना है एलोवेरा जेल और इसे अच्छे से करना है मिक्स मिक्स मिक्स। तो हमने ले लिया है, आपको जितना मन आप उतना ले सकते हो, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको और एक अच्छा सा फाइन लिक्विड पेस्ट जैसा बना लेना है। सो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। एंड देन अपने बालों पे पूरा अच्छे से लगाइए, स्कैल्प पे लगाइए। जो उसूम रहता है, हल्का सा ल्यूक वार्म ऑयल रहता है, वो आपके स्कैल्प में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करता है और नरिश बहुत अच्छा करता है। आपको अपने पूरे हेयर लेंथ में भी इसे लगाना है एंड हेयर एंड्स में भी लगाना है ताकि स्प्लिट एंड्स होने के चांसेस कम हो जाएँ। एंड अब इसे आप टाई कर देंगे। ना सो के उठने के बाद में हर किसी का फेस इस तरीके से ऑयली दिखता है, तो आपको अपने फेस को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ हमने यहाँ पे लिया है विटामिन सी का फेस वॉश। तो हल्का सा अपने फेस को गीला कर लेंगे एंड देन हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पे मामा अर्थ का विटामिन सी फेस वॉश। इसमें अच्छा सा ब्रश काइंड ऑफ दिया हुआ है, सिलिकन बेस्ड, जो आपके स्किन को बहुत अच्छे से मसाज करते हुए फेस वॉश करने में हेल्प करता है एंड आपकी स्किन की टैनिंग को हटाता है और फेयरनेस दे जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमारे स्किन में जो टैनिंग थी वो हल्की सी कम लग रही है। अब हम लोग को क्या करना है, हमें लेना है एक क्यूब। ये वाला क्यूब हमने फर्स्ट वीडियो में बनाया था, सो लिंक हम ऊपर दे देंगे। पिंपल्स एंड डार्क पिंपल के लिए बहुत अच्छी। आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे पिंपल निकल आया, तो आई नीड टू अप्लाई दिस। सो जनरली ये एक क्यूब आपके पूरे फेस एंड नेक के लिए एनफ रहता है। आप एक हफ्ते में एक बार इसे बना के यूज़ कर सकते हो। नाउ ये जो नुस्खा है ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है डिटैनिंग के लिए, जिसके लिए हमने लिया यहाँ पे नींबू। इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। अब इसे अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे, आप देख सकोगे कि झाग जैसा कुछ दिख रहा है इसमें। सो एक बार जब ये झाग जैसा आना चालू हो जाए तो फिर आप इसे यूज़ करने के लिए रेडी हो। तो इस तरीके से इसे निचोड़ें एंड आप देख सकते हो ये झाग जैसा कुछ दिख रहा है इस पर। सो ये नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी का भी काम करता है, तो इसे आप अपने फीट पे, हैंड पे अच्छे से लगा सकते हो। एंड आप देख सकते हो कि हमारे फीट में कितनी टैनिंग है, तो हम इसे अपने फीट में एंड हैंड में अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारे फीट की और हैंड की टैनिंग चली जाए। और ये रेनी सीजन में आप कुछ भी नुस्खा ट्राई करते हो तो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी काम करता है, क्योंकि एक तो सन रहता नहीं तो टैनिंग की इतनी चिंता नहीं रहती है। सो आप इसे वीकली ट्वाइस या थ्राइस ट्राई कर सकते हो एंड आप देखोगे कि आपके हाथों की और पैरों की टैनिंग लिटरली कम दिख रही है। एंड इसे नेचुरल ब्लीचिंग, नेचुरल ब्लीच भी कहा जाता है, जिसमें बिना पैसे खर्च करके भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो वीकेंड का डे बेस्ट होता है, इसे ट्राई कीजिए। नाउ अभी जब तक हमारा ये फेस पैक सूख रहा है, हम और एक चीज़ कर सकते हैं। जी हाँ, अपना हेयर स्पा कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है इससे हम लोग हेयर स्पा कर सकते हैं एंड
इसे अच्छे से ऐसे लगा लिया हमने। एंड इसमें स्विचेस रहते तो आप ऑन हाई लो ऐसा कर सकते हो, तो इसको आप आराम से मीडियम में कर दो। और ये इस जैसे हम लोग हेयर स्पा करते हैं, स्टीम लेते हैं अपने बालों पे, तो इसमें भी स्टीम्स रहते हैं, स्टीम आते हैं आपके बालों पे। और आपने जो ऑयलिंग पहले से की हुई है वो आपके बालों में अच्छे से पेनिट्रेट होता है और आपके बाल सिल्की स्मूद एंड सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसे आपको रखना है करीबन 15 मिनट जैसे। तो जब तक ये सूख रहा है तो आप अपने आप को दूसरे कामों में इंडल्ज कर सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, मोबाइल में गेम खेल सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। 15 मिनट के बाद में आपको इसे उतारना है एंड देन आपको शैम्पू करना नहीं है, पहले आपको करना है कोम। इसे खोलिए एंड देन इससे अपने बालों को सुलझा लीजिएगा। बाय दिस टाइम आपके बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके होंगे और आप इसे अच्छे से सुलझा लेंगे तो आपको शैम्पू करके कंडीशनिंग करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको, आप खुद देख सकते हो कि बाल इतने अच्छे से सुलझ जा रहे हैं एंड देन आपको शैम्पू करने में बहुत अच्छा रहेगा। आपके बाल नरिश भी रहेंगे ऑयलिंग से एंड देन आपके बाल सिल्की एंड स्मूथ भी रहेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सेरी का, लॉरियल सैरी का जो शैम्पू रहता है वो हमने यूज़ किया एंड कंडीशनर भी। सो नाउ यू कैन सी दिस इज हाउ माय हेयर लुक्स। बाल अभी जैसे वॉश किया वैसे ही, और आप देख सकते हो कितना शाइन दिख रहा है। सो लेट मी ओपन माय हेयर। सो आप देख सकते हो कितना सिल्की स्मूथ लग रहा है और इसे छूने में बहुत ही सिल्की स्मूथ लग रहा है। एंड आपको इसे लेके बालों को सिर्फ डैब करना है। एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई विल शेयर यू द रिजल्ट आफ्टर मेरे बाल सूख जाए। ऑल्सो आपको अपने फेस को पैक लगाया है, हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है एंड हम मॉइस्चराइज करके आपसे मिलेंगे और एक बार बाल सूख जाए एंड देन आई विल शेयर यू द कंप्लीट लुक। नाउ आफ्टर हेयर वॉश हमारे बाल कुछ इस तरीके से दिख रहे थे एंड आप देख सकते हो कितना सिल्की स्मूथ एंड शाइनी लग रहा है हमारा बाल। एंड आई एम सो इन लव विथ माई स्मूथ एंड सिल्की हेयर। एंड अभी इस सारे टेक्निक को ट्राई करो और कॉमेंट सेशन में शेयर करो कि आपको ये सारे ट्रिक पसंद आए या नहीं, और आपको और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो एंड यस गाइज, हम सोच रहे हैं कि एक चैलेंज ले। हमारा भी कुछ इन फ्यू डेज हमारे घर में एक फंक्शन आने वाला है, तो हम एक 7 डेज का चैलेंज लेना चाहते हैं जिसमें हम अपने हर दिन जो भी पैक वगैरह जो भी हम एक्सपेरिमेंट करें, चाहे ट्राई करें चाहे लगाएं जो भी, वो आपके साथ में डेली अपडेट करेंगे। तो प्लीज़ हमें बताना कि वो वाला टेक्निक जो रहेगा वो सही, मतलब वो जो हम सोच रहे हैं 7 डेज चैलेंज, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर करना चाहिए तो आप कौन से पैक्स, कौन से स्किन का, या हैंड टैनिंग या फेस टैनिंग या किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो कम्स, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।